बेटा इसमें 1.12 में इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड इट इज एक्स लेसर देन जीरो होगा तो -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो +200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ओके डायग्राम इधर दिया है जीरो पोजिशन, तो इधर एक पोजिशन इधर एक पोजिशन, इधर हो जाएंगे नेगेटिव इधर हो जाएंगे पॉजिटिव। ओके ये जीरो पोजीशन यहाँ पे ही इधर पे भी नहीं, ये वाला एक्स ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे एक्स लेसर देन, यहाँ पे जो फील्ड है दैट इज -200 न्यूटन पर कूलम और यहाँ पे जो है 200 न्यूटन पर इस तरीके। ये तो जो है ये वाला आई कैप की माइनस आई कैप होता है, ये वाला का तो प्लस है। ओके दो चीज उसके बाद जो दिया जाता है लेंथ राइट सर्कुलर, उसका लेंथ क्या 20 सेंटीमीटर दैट इज 20, यहां पे क्या होगा x इक्वल्स टू -10 और यहां पे x इक्वल टू +10 बिकॉज ये वाला जीरो पोजिशन है। ठीक है अच्छा उसके बाद व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस। ओके व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, तो फ्लैट फेस तो ये वाला है और कर्व फेस ये वाला ऊपर वाला है कर्व वाले है, ऊपर जो है एक तो ये वाला फेस है कर्व वाला, जैसे सिलेंडर है एक तो ये वाला फेस होगी और एक ऐसे ऐसे फेस होगा। ओके एक ऐसा फेस भी होगा ये वाला फ्लैट फेस। ठीक है तो उसमें व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर ये फाइंड करना है। ओके एक बार देख लो जस्ट क्वेश्चंस को। बेटा आ गया ये वाला वाई पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है, उसके बाद फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और डेल्टा एस का जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, जैसे कोई सिलेंड्रिकल पार्ट होगा जिसे वाला सिलेंडर है तो इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा ये वाला जो बताया जा रहा है। ठीक है बेटा वाई डायरेक्शन में, तो इसको सेपरेटली बताओ। ओके वाई डायरेक्शन में ये वाला इधर डायरेक्शन हुआ तो ये इधर और डेल्टा एस इधर,
ये वाला क्या कंसीडर कर रहे हैं, कांट स्पेस। ये वाला क्या फ्लैट स्पेस, ये दोनों। इसके बाद देखो यहां पे लिखा है फाइल इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई का वैल्यूज कितना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा माइनस 200 होंगे। फिर आई कैप, आई कैप कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला आई कैप, इधर वाला, ओके आई कैप लेफ्ट हैंड साइड वाले, ठीक है बेटा। तो करके कितना होगा, प्लस हो जाएंगे। एरिया जो है, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, ओके। तो अभी लिख देता हूं फाइल ई डेल्टा एस, ये तो दोनों ही सेम साइड में है तो 0 डिग्री का बात आ जाएगी। ई का वैल्यू -200 इंटू आई कैप डेल्टा एस, डेल्टा एस कौन सी है, इधर वाला आई कैप कितना होगा माइनस का होगा, इनटू ये कितना पाई आर का स्क्वायर। आर जो यहाँ पे दिया गया था रेडियस, रेडियस ऑफ दिस वन इज 0.05 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला कितना -200 -1 इनटू पाई इनटू 0.05 एक्स स्क्वायर। इधर वाला जो वेक्टर होगा एन वेक्टर होगा, ये नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव आई कैप, ओके। और ये भी क्या था, ये वाला था, इसमें भी आई कैप था, ओके। तो इस पर इसे लिख सकते हो आई कैप और ये माइनस आई कैप, तो आई कैप इनटू माइनस आई कैप, तो कितना होगा -1 हो जाए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 200 पाई 0.005 का होल। ये हो गया फाई लेफ्ट, फाई राइट, ये तो 200 था, आई कैप थी इनटू आई कैप पाई 0.005 का होल, तो 200 इनटू 1, ओके। तो 1 लिख दिया इनटू पाई 0.005 का होल स्क्वायर, तो 200.005 का होल स्क्वायर इनटू पाई, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का आ गया। अभी टोटल फ्लक्स हम उसको निकालेंगे। तो देखो बी पार्ट में है, जब राइट वाला इधर है, ठीक है, ऑन द राइट फेस इतना है, फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर परपेंडिकुलर, तो ई डॉट डी एस 0 होगा। तो इस फेस में, इस फेस में जो सर्कुलर पार्ट में, जो सर्कुलर पार्ट में इधर भी 90 डिग्री, इस तरफ पे भी 90 डिग्री, तो कितना होगा 0। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे भी जो नीचे की तरफ होगा वहां पे थीटा। तो कार्ट फेस में ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री, दैट विल बी ई डेल्टा एस इनटू 0, दैट विल बी 0। तो टोटल जो है फाइल प्लस पाई आर, दैट मींस इसका इसका सम हो जाएगा, ओके 200 पाई 200, ओके। तो दैट मींस इसमें 2 × 200 पाई × 0.005 का होल स्क्वायर होगा, ये वाला होगा, ये वाला दोनों ऐड। तो उसमें देखो इसमें जो आप इसको सॉल्व करते हैं 200 पाई दिस वन आता 1.57 बेटा, 1.57,
तो 1.57 प्लस 1.57 3.14। तो ये जो है अप्रोक्सीमेट इसके वैल्यू आ जाएंगे 1.57। ये भी आएगा 1.57, दैट मींस कितना होगा 3.14, बिकॉज इट पाई है इससे आ जाएगा। ठीक है बेटा 3.14, तो फ्लक्स जो हो गया 3.14। चार्ज निकाल रहे क्यू, दैट इज हम लोग जानते हैं फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q equals to epsilon naught into phi, तो epsilon naught into phi करोगे तो फिर उसके वैल्यूज आ जाएगा। तो अभी देखो 3.14 8.85 करके इसके वैल्यूज आ जाएगा epsilon naught into phi। ओके तो एक क्वेश्चन हो गया। तो अभी 1.17 क्वेश्चन करना है।